अच्छे दोस्त की पहचान। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू के पापा आर्मी में थे, इसीलिए उनका ट्रांसफर कभी कहीं तो कभी कहीं होता रहता था। गट्टू बेटा, अब हमें ये शहर छोड़कर मुंबई जाना पड़ेगा। क्यों पापा? क्योंकि अब मेरी शिफ्टिंग मुंबई में हो गई है, इसलिए अब हमें वहाँ चलना होगा। ठीक है। इसके कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों बाद गट्टू ने नए स्कूल जाना शुरू किया। नए दोस्त बनाने के लिए वो कुछ बच्चों के पास गया। मेरा नाम गट्टू है, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और हमें कोई और फ्रेंड नहीं चाहिए। तुम आदित्य के पास जाओ, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। उनकी बात मानकर गट्टू आदित्य के पास गया। कोई मेरा फ्रेंड नहीं बन रहा, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? कोई बात नहीं, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं बनता, चलो आज से हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। ये सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ। ठीक है, मेरा नाम गट्टू है। मेरा नाम आदित्य है। इस तरह गट्टू को मुंबई में उसका पहला दोस्त मिल गया। लेकिन गट्टू का ये नया दोस्त बहुत शैतान था। उसने गट्टू से कहा, गट्टू चलो कुछ शैतानी करते हैं। लेकिन शैतानी करेंगे तो मैडम डांटेंगी। मैडम को पता चलेगा तब ना। बस तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन चलो मेरे साथ। आदित्य और गट्टू चुपके से सोना और मोना के पास गए। आदित्य ने सोना का बैग उठा लिया। फिर उन दोनों ने क्लास के कोने में रखे टूटे और खराब बेंचेस के बीच सोना का बैग छिपा दिया और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सोना ने देखा कि उसका बैग गायब है, तो उसने रोते हुए मैडम से कहा, मैडम मेरा बैग कहीं चला गया। जिसने भी सोना का बैग छिपाया है वो अपने आप उसका बैग लौटा दो, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर को बुला लूंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। उसने आदित्य से कहा, आदित्य हमें सोना का बैग लौटा देना चाहिए, नहीं तो प्रिंसिपल सर हमें सजा देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चुप करके बैठे रहो। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल सर को बुला ही लेती हूँ। मैडम ने प्रिंसिपल सर को बुलाया। प्रिंसिपल सर ने बच्चों से पूछा, सच सच बताओ सोना का बैग किसने छिपाया है? ठीक है, अब सब अपनी सीट पर खड़े रहेंगे, तुम्हारी मैडम और मैं पूरी क्लास की तलाशी लेंगे। मैडम और प्रिंसिपल सर पूरी क्लास की तलाशी लेने लगे। प्रिंसिपल सर एक एक सीट पर बैग ढूंढ रहे थे। मिल गया, ये रहा सोना का बैग। लेकिन इसे यहाँ रखा किसने? हमेशा की तरह ये शैतानी जरूर आदित्य ने ही की होगी। सर, गट्टू इसका फ्रेंड है, गट्टू ने भी इसका साथ दिया होगा। गट्टू, तुम जानते थे कि आदित्य ने सोना का बैग छिपाया है? हाँ सर, लेकिन तो आदित्य के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। और तुम दोनों की सजा ये है कि छुट्टी होने तक तुम दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे। इस तरह अपने फ्रेंड आदित्य की शैतानी की वजह से गट्टू को उसके पहले दिन ही स्कूल में सजा मिली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। चिल्ड्रंस डे था। गट्टू और चिंकी नींद से उठे तो पापा मम्मी एकदम बोले, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओह थैंक्स मम्मी। थैंक्स पापा। वेलकम बच्चों, आज तुम्हारा दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। स्कूल के अध्यक्ष चिल्ड्रन डे पर भाषण देते हैं। बच्चों, आज 14 नवंबर है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती उत्सव है। भारत देश के निर्माण में नेहरू जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। नेहरू जी को गुलाब का फूल और छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए आज चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आज पढ़ाई को छुट्टी, नाचो गाओ, खाओ पियो और आनंद लो। अध्यक्ष स्कूल के हर बच्चों को गुलाब का फूल और आशीर्वाद देते हैं।
फिर बच्चे खेलने और कूदने लगते हैं। बच्चों की खेल और खाने का स्कूल में बढ़िया इंतजाम किया था। खाने को मिठाई और खेलने को बहुत सारे खिलौने थे। गट्टू और चिंकी भी अपने दोस्तों के साथ घसरगुंडी खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है, यूहू! गट्टू घसरगुंडी पर चढ़ता है, तभी वहां देखता है कि फाटक के बाहर कुछ गरीब बच्चे, जिनके पीठ पर थैले लदे थे, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अरे, वहाँ कुछ गरीब बच्चे खड़े हैं, बेचारों का भी खेलने का मन कर रहा होगा, चलो उन्हें भी शामिल करते हैं। हाँ हाँ, चलो। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चे फाटक के पास आते हैं तो गरीब बच्चे डर जाते हैं। डरो नहीं, तुम भी खेलो हमारे साथ, खाना भी मिलेगा, चलो चलो। यह सुनकर एक गरीब और अशक्त बच्चा कहता है, नहीं, हम आएंगे तो हमें मार पड़ेगी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, हम हैं ना, आज हम बच्चों का ही तो दिन है, चलो। बच्चे मान जाते हैं। खेल का मजा उठाने के बाद सारे बच्चे थक जाते हैं। चलो, थक गए, अब मिठाई और खाना खाते हैं। अब हम चलते हैं, कोई देखेगा तो मुसीबत होगी। तुम भी चलो खाना खाने, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, पर काम भी तो करना है। भंगार जमा नहीं किया, उसको दुकान में जाकर नहीं बेचा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हमारे माता पिता गरीब हैं, वो हमें स्कूल नहीं भेज सकते। यह सुनकर गट्टू और चिंकी को बुरा लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है, गरीब बच्चों को अंदर देखकर भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, चलो बाहर निकलो, चलो। गार्ड बच्चों को धक्के मार कर निकालने लगता है। गट्टू और चिंकी गार्ड को रोकते हैं। अंकल, उन्हें मारो मत, उन्हें हमने बुलाया था। क्या अंकल, आज चिल्ड्रंस डे है और आप बच्चों पर हाथ उठा रहे हो? बेचारे गरीब हैं, ना खेल पाते हैं ना अच्छा खाना खा पाते हैं, गरीबी के कारण पढ़ भी नहीं पाते। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते, अगर ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, ना खाना खाएंगे ना खेलेंगे। हाँ हाँ, चिंकी ठीक कह रही है। जिद ना करो, इन्हें नहीं निकाला तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी स्कूल के अध्यक्ष आते हैं और गार्ड से कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी? अरे भाई, ये बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, ये भी बच्चे ही है, गरीब हुए तो क्या हुआ, खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना और पढ़ना इनका भी अधिकार है। थैंक्स सर, ये बेचारे गरीब हैं, काम करके भूख मिटाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते। गट्टू और चिंकी, तुम बच्चों पर मुझे गर्व है, तुम बच्चों ने इन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष कृति भी करनी चाहिए, और मैं वह करूँगा। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ। सर, मेरा नाम श्रवण है, ये राजू और ये छोटू। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? सर, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारे माता पिता भंगार बेचते हैं। पढ़ना चाहोगे? सर, हम गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते। कौन कहता है गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? कल तुम्हारे माता पिता को लेकर आना, मैं स्कूल में तुम्हारे दाखिला करवाऊंगा और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा। सर, हमारे झोपड़पट्टी के और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, सबको साथ लेकर आना, तब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो सही मायने में चिल्ड्रन डे सफल होगा। अब जाओ, पेट भर खाना खाओ। गट्टू और चिंकी, ले जाओ तुम्हारे नए दोस्तों को। चल श्रवण, राजू, चल, चलो रे सब। सब बच्चे भागते हैं, मिठाई और खाने पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार गट्टू और चिंकी की सोच और मदद से गरीब बच्चे भी चिल्ड्रन डे एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें